की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस डेकेड के सबसे बेस्ट सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस। तो मैं अभी अटेंड करने जा रही हूँ, न्यू जर्सी ट्रेंटन में आ रहे हैं अरिजीत सिंह। यस, तो मैं जा रही हूँ वो शो अटेंड करने और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले कभी उनको लाइव नहीं सुना है। नो डाउट मैं उनके सॉन्ग्स बहुत बार सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आई गेस सभी के आजकल तो बहुत फेवरेट है। उनकी सिंगिंग एबिलिटीज और सब कुछ बहुत बेहतरीन है। तो हम जाते हैं डायरेक्टली वहां पे और देखते हैं क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो लेट्स गो। पार्किंग लॉट 2 में हमारी पार्किंग है और हम जा रहे हैं। तो हमने जो टिकट्स लिया ना वो एक्साइटमेंट में एकदम अच्छी वाली टिकट्स हैं, तो एकदम अच्छी वाली फील आएगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो मैं आपको वो दिखा पाऊंगी। तो आई एम ग्लैड। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। लेट मी शो यू। 7:09 पे यहाँ पहुंच गए हैं और शो शुरू होने वाला है 8 बजे, तब भी इतनी भीड़ है। अगर हम ऑन टाइम आते, मान लो ऑन टाइम आते या 7:30-8 को आते, फिर तो कुछ है ही नहीं कि हमको यहाँ पे जगह मिल पाती या हम जल्द टाइम पे घुस पाते। तो जैसे कि मैंने भी सुना था और मैं आप लोगों को ही बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे कोई लाइव कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड कर रहे हो तो टाइम से 1 घंटे पहले जाना, एटलीस्ट यूएस में तो जाना ही। इंडिया का तो मुझे आइडिया नहीं क्योंकि वहां पे मैंने लाइव कॉन्सर्ट ज्यादा अटेंड नहीं किए, बट यहाँ पे डेफिनेटली आना। और यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस $20 है। पहुंच गई हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी। तो हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे हमारी टिकट है एग्जीक्यूटिव सूट में और एंट्रेंस के वक्त यहाँ पे चेकिंग हो रही है और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दे आर लेटिंग अस एंटर। और मैं भी सूट में हूँ तो मैं अंदर आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज द सूट अंदर से और ये सब कुछ भी अरेंजमेंट्स हैं। Samosas in menu and we have bhajiyas. Also we have macaronis, chicken starter, biryani and one veg starter. And this is all we have here. तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम जल्दी आ गए थे, तो यहाँ पे अभी तक लोग पूरी तरीके से आए नहीं हैं, अभी बस वो आना शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। हम गोइंग डाउन स्टेज टू शो यू फैसिलिटीज क्या क्या यहाँ पे है। सबसे पहले तो ये पार्किंग लॉट जो कि पूरा का पूरा भर गया है और ये तो बस ये वाला एरिया है। इसके अलावा ऐसे 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट में बहुत जबरदस्त पार्किंग की भीड़ लगी हुई है और जगह जगह पे लगे थे खाने के काउंटर, तो मतलब फूड और रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट भी पूरी तरीके से। जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और यहाँ पे है स्टेज। आज की शाम के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं द सुपरस्टार, द मिसमराइजिंग कैप्चुरेटिंग वॉइस ऑफ दिस वंडरफुल इवनिंग, द बॉलीवुड सुपरस्टार, वो जो सीधे आपके कान में होंगे, सीधे आपके रूह तक पहुंच जाएंगे, वन एंड ओनली अरिजीत सिंह। Yeah.
शो फिनिश हो गया है और अब मैं घर जाके आपको बताती हूँ क्या है, क्या रहा, कैसा रहा, क्योंकि अभी ट्रैफिक में हूँ और यहाँ पे सब लोग अभी निकले हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो लेट मी रीच होम और उसके बाद हम बात करते हैं। तो शो होने के बाद उस दिन मैं सो गई थी और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर हिम्मत नहीं थी कि कुछ आगे बोलूँ, तो इसलिए फिर मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो शो था दैट वॉज फैंटेस्टिक, बहुत ही अच्छा था। और मेनली जो अरिजीत सिंह का और उनकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन था ना, मतलब बिना कुछ बोले इंटरेक्शन था, वो बहुत ही सही था। मतलब उनके साथ सब झूम रहे थे बहुत ही मजे से, आपने जैसे वीडियो में देखा, बहुत ही फैबुलस एक्सपीरियंस था कि आप इतने अच्छे मतलब सिंगर को इतना करीब से सुन रहे हो और इतना अच्छे से आप देख रहे हो, तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वर्थ था, बहुत ही सही था। अगर आपके शहर में कभी होता है तो एक बार ट्राई करना, जरूर मजा आएगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जो कि मैंने लाइव परफॉर्मेंस में शूट किया है, मतलब आधा जो ध्यान है काम में था आप लोगों को बताने के लिए, तो इन सब के लिए बहुत एफर्ट्स लगती है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स और मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।